मशहूर भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी फैमिली की इस तस्वीर के साथ ये बिल की एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। इस बिल में बीफ यानी गाय के मांस की डिश के बारे में लिखा है। यूजर्स ये दो तस्वीरें शेयर कर विराट कोहली पर निशाना साध रहे हैं कि उन्होंने हिंदू होते हुए बीफ खाया। वहीं इस यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बीफ खाने पर अगर आप विराट कोहली से सवाल नहीं पूछ रहे हैं तो आप हिंदू नहीं हैं। ऐसे ही कई और यूजर्स ने ये तस्वीरें विराट कोहली पर निशाना साधते हुए शेयर की। ऑल्ट न्यूज ने इस वायरल दावे के बारे में तहकीकात शुरू की। बिल की तस्वीर रिवर्स इमेज सर्च करने पर हमें कई न्यूज रिपोर्ट्स मिली जो कि साल 2021 में पब्लिश की गई थी। द सन ने रिपोर्ट में बताया कि ट्रिपल सीयर जापानी A5 रेस्टोरेंट में मेन्यू को गलत तरीके से पढ़ने के बाद एक कपल ने $615 की भारी रकम चुकाई थी। ये कपल अगस्त 2020 में अटलांटिक सिटी न्यू जर्सी के हर्रा में गॉर्डन रॉम्से स्टेक रेस्टोरेंट में गया था। ट्रिपल सीयर जापानी A5, जिसे गॉर्डन रॉम्से स्टेक के रूप में भी जाना जाता है, एक जापानी व्यंजनों का रेस्टोरेंट है। वहां जेफरी पेगे नामक कस्टमर ने मेन्यू पढ़ने में गलती की क्योंकि उसमें बीफ की प्रति औंस कीमत $35 थी, जिसका न्यूनतम ऑर्डर 4 औंस ही किया जा सकता था और इस वजह से इस दंपति को $615 की बड़ी रकम चुकानी पड़ी। वहीं वायरल दावे में बताया गया है कि विराट कोहली ने कथित रूप से फ्लोरिडा में बीफ खाया था, जबकि फ्लोरिडा में गॉर्डन रॉम्से स्टेक रेस्टोरेंट की एक भी ब्रांच नहीं है। अब बात करते हैं विराट कोहली के अपने परिवार के साथ की इस तस्वीर की। ये तस्वीर उन्होंने इंस्टाग्राम पर 20 अक्टूबर 2021 को पोस्ट की थी। और तो और कई मौकों पर विराट कोहली ने बताया है कि 2018 में हेल्थ इश्यू के कारण उन्होंने मांसाहार खाना पूरी तरह से बंद कर दिया था। यानी असल में एक विदेशी कपल के रेस्टोरेंट के बिल की तस्वीर फर्जी रूप से क्रिकेटर विराट कोहली के खाने के बिल के रूप में शेयर की गई और उन पर बीफ खाने का एक मनगढ़ंत आरोप भी लगाया गया क्योंकि बिल में बीफ की एक डिश का जिक्र है।